और मसाले आज की डेट में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत होती है। ये मशीन उस मॉइस्चर को निकालने का काम करेगी हमारा। इसके अलावा गरम मसाले वगैरह जितने भी आपके मसाले आते हैं सभी का ये पाउडर बनाती है। मिनिमम 3 HP से लेकर हमारे पास 50 HP तक की मसाला पीसने की मशीन मिलेंगी दोस्तों। तो ये 3 मशीनें लगा करके आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मॉइस्चर हटाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है 8 से 10 मिनट के बाद हमारा एक प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाएगा। उंगलियों के ही आपका ये आधा हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो ऑटोमेटिक ही हमारा मसाले का वजन हो रहा है। जितने ग्राम आपको चाहिए कप के द्वारा ऑटोमेटिक वजन होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज लेके आया हूँ दोस्तों हिंदुस्तान फूड मशीनरी में बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया रहने वाला है। तो जो लोग भी भाई घर बैठे हैं तो एक बार जरूर से जरूर इस वीडियो का चेकआउट करें। सबसे पहले ओनर से मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई, कैसे आप? नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो भाई आज की वीडियो में क्या कमाल का बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए हो? और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि खाना बिना खाने के तो रह नहीं सकता, खाना तो बंदा हर समय खाएगा ही खाएगा। तो ये बिजनेस आइडिया कैसे एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है और आज की वीडियो में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए ये जो आपने अभी देखा है ये हमारा मसाले का प्लांट है। और मसाले आज की डेट में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत होती है। आप चाहे कोई स्नैक्स आइटम दिन में खाओ ना खाओ, लेकिन आप अपने घर पे रोटी सब्जी तो खाना खाते ही है। अब बहुत से लोग तो 3-3 बार अपना खाना बनाते हैं, तो उन सभी में लगने वाला हमारा ये मसाले का प्रोडक्ट होते हैं। तो मसाले हर घर की जरूरत है हमारा। तो आज आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा मसाले के ऊपर है कि मसाले आपको साबुत लेने होते हैं, कैसे उनकी पिसाई होती है और कैसे उनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी कि आप बल्क में ला करके उनको पीस करके जब आप सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कैसे मिलेगा, तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए तब तक वीडियो। मतलब रॉ मटेरियल से लेके पूरा पैकेजिंग तक फाइनल प्रोडक्ट तक सारी जानकारी आपको। इस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन सी मशीनें लगती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपको मार्केट से इस तरीके के साबुत मसाले लाने हैं, चाहे वो आपका मिर्ची है, चाहे धनिया है, चाहे हल्दी है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारी ओवन ड्रायर मशीन है। इसमें क्या होता है, जब हम आप साबुत खेतों से मसाले लाते हैं तो उनमें हल्की मुल्की नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है। तो ये मशीन उस मॉइस्चर को निकालने का काम करेगी हमारा। मॉइस्चर निकालने के बाद ये थोड़े से आपके क्रंची हो जाते हैं। तो सर हमारा पहला स्टेप है ये नमी निकालने के लिए ओवन ड्रायर मशीन। उसके बाद नमी जैसे हमारे मसालों से निकल जाती है तो हमारा दूसरा स्टेप आता है ये पल्पलाइजर मशीन। अच्छा। इसमें आप मसाले के पाउडर बना सकते हैं, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे वो धनिया का हो, या चाहे वो मिर्ची का हो। इसके अलावा गरम मसाले वगैरह जितने भी आपके मसाले आते हैं सभी का ये पाउडर बनाती है। मतलब... और ये मशीन हमारे पास अलग अलग वेरियंट में है दोस्तों। ये आपका 5 HP में है, इससे छोटा अगर किसी का सिंगल फेस का बजट है तो सिंगल फेस की मशीन भी हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा, मतलब सारे मतलब बजट के हिसाब से कस्टमर के हिसाब से सारी मिनिमम 3 HP से लेकर हमारे पास 50 HP तक की मसाला पीसने की मशीन मिलेंगी दोस्तों। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वो उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। तो मसाला पीसने के बाद अगला प्रोसेस जो हमारा होगा ये फाइनल पाउच पैकेजिंग मशीन होती है। देखिए दोस्तों, तो इसमें आप 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का या 250 ग्राम का जो भी वेरिएंट में आपको साइज पैक करने हैं तो हमारे पास हर साइज की मशीनें मिल जाएंगी। अगर किसी को छोटा पैकेट पैक करना है 2 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम का, तो इसके लिए छोटी मशीन आती है। और किसी को 25 ग्राम से लेकर 250 ग्राम का वेरिएंट पैक करना है तो उसमें हमारी ये वाली मशीन लगेगी। उसके अलावा अगर किसी को आधा केजी, 1 केजी में जाना है तो उसके लिए बड़ी मशीन होती है। तो ये 3 मशीनें लगा करके आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पहले मशीनों का वर्क करके दिखा देता हूँ कि हमारी मशीनें किस तरीके से प्रोडक्शन करती है और क्या क्वालिटी। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डेमो देखते हैं किस तरह से, मतलब कैसे ड्राई होता है और फिर कैसे मिक्सिंग वगैरह होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सर पहला स्टेप हमारा ये होगा, जितने भी हमें अपने देख पा रहे हो साबुत मसाले हैं इनको इस मशीन में डाल के इनका मॉइस्चर निकाल के आपको दिखाएंगे। डालिए पांडे जी, ये देखिए दोस्तों पूरा प्रोसेस देखिए, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत सारी मतलब सारी क्लियर जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। ये देखिए मॉइस्चर हटाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमने सारे मसाले सैंपल के तौर पे थोड़े थोड़े लगा दिए हैं। अब सिर्फ हमको यहाँ से MCB उठानी है और हमारी ये मशीन चालू हो गई। अच्छा, और चालू करने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से लगा देते हैं। अच्छा, अब ये आपका करीब 8 से 10 मिनट के बाद हमारा एक प्रोसेस होकर कम्प्लीट हो जाएगा। यानी कि एक बैच का जो टाइम होता है हमारा करीब 8 से 10 मिनट का होता है, 10 मिनट में एक बैच कम्प्लीट कर देती है हमारी। अच्छा, ये वाली मशीन। हाँ जी, तो इसमें यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है। जितना भी टेम्परेचर आपको करना है
यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन है हमारा, जो इसके अंदर एलिमेंट हीटर होते हैं जो इसको अंदर गर्म करके नमी को निकालते हैं, तो वो नमी सारी ट्रव में बराबर जाए। तो इसमें एक फैन का सिस्टम है, जितने भी हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना फैन का स्पीड को बढ़ाएंगे, कंट्रोल करेंगे, तो अपने आप ऑटो कट में आपका एक मिनट बाद, डेढ़ मिनट बाद अपने आप पंखा चालू होगा और टेम्परेचर को सब में बराबर देता रहेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर सर हमारा आप देख सकते हो 10 मिनट का बैच हमारा पूरा हो चुका है। अब एक बार मैं मशीन को बंद करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे इसके अंदर की नमी निकली है। अभी आप जो देख पा रहे हैं गरम गरम धुआं निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो वाष्प थी इस मसालों के अंदर वो निकल चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये गरम गरम है हमारा, तो ये करारे हुए पड़े है आपका, आप देखोगे उंगलियों के ही आपका ये आधा हो जा रहा है। यहाँ पर हमारी नमी निकल चुकी है। अच्छा, पूरी तरीके से नमी जो है वो निकल चुकी है दोस्तों, ये देख। अब यहाँ के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो आपको दिखा देते हैं किस तरीका से हमारा अगला प्रोसेस होता है। तो अगला प्रोसेस सर हमारा ये है, ये हमारी मसाला पीसने वाली मशीन है। अब एक बार मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ कैसे हमारा प्रोडक्शन करती है और मसाला पीसती है। जी बिल्कुल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है हमारा मसाला पीस के रेडी हो चुका था। अब हम इसको पैकिंग करके आपको दिखाएंगे हमारी इस पैकेजिंग मशीन की मदद से। तो यहाँ पर हमारा मशीन का हॉपर है, इसमें अंदर हमारे हॉपर में माल डाला जाएगा। पांडे जी माल डालो। तो माल डालने के बाद यहाँ से हम मशीन को चालू करेंगे और हमारा पैकेट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो ऑटोमेटिक ही हमारा मसाले का वजन हो रहा है, जितने ग्राम आपको चाहिए कप के द्वारा ऑटोमेटिक वजन होता है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको अपनी मशीन चालू करके दिखा देता हूँ कैसे हमारी मशीन वर्क करती है। तो यहाँ से हमको सिर्फ बटन दबाना होता है और ये ऑटोमेटिक हमारा मसाला भर भर के पैकेट बना देती है। अब आपको ये देख रहा है कि एक कुरकुरे का पैकेट लगा हुआ है। जब आप अपना मसाले का व्यापार करोगे तो आपको सिर्फ मसाले का रैपर लगाना है, तो ऑटोमेटिक आपका मसाले के पैकेट बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी मैम, इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन है, आपको सिंगल पैकेट चाहिए सिंगल या आपको 10 का 12 5 का जितने का लड़ी चाहिए ऑटोमेटिक लड़ी बनेगी। अभी हमने 5 का प्रोग्राम डाला हुआ था, हमारा ऑटोमेटिक 5 का लड़ी बन चुका है। तो मैं एक बार आपको पैकेट खोल के भी दिखा देता हूँ कैसे हमारा पैकेट बना है। साले पैकेट है तो इनमें नॉर्मली प्रोडक्ट भरा जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, जो हमारा पैकेट बना है इस तरीके से हमारा पैकेट बन के रेडी हो चुका है। तो मतलब सर ऐसे अगर हम चाहे तो नाइट्रोजन फिल भी कर सकते हैं ना, अगर दूसरी प्रोडक्ट। हाँ, ये मशीन फुल न्यूमेटिक है हमारी। आप जैसे कुरकुरे या नमकीन या चिप्स में जाते हैं तो इसमें आप नाइट्रोजन एयर भी भर सकते हैं, वो भी हमारा पास ऑप्शन होता है। बहुत बढ़िया सर। तो आप बात करते हैं कि मतलब इस पूरी मशीन को अगर कोई आप खरीदना चाहे तो मतलब क्या कॉस्टिंग आएगी, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट से लेके और ज्यादा जो भी रॉ मटेरियल होता है, तो टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ेगी विद जीएसटी? तो देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको अभी अपना सेटअप दिखाया है जिसमें हमारा 12 ट्रे का ओवन है और 5 एचपी का पल्पलाइजर है जो कि 50 से 60 केजी घंटे का प्रोडक्शन करता है, और ये 25 ग्राम से 250 ग्राम तक की पैकिंग मशीन है। ये तीनों मशीनें हैं और इसको चलाने के लिए लगता है एक एयर कंप्रेसर। तो चारों मशीनों का सेटअप मिला के आएगा आपका 3,30,000 रुपए का। बाकी अगर कोई आपकी वीडियो के माध्यम से आता है तो स्पेशल डिस्काउंट यानी कि राउंड फिगर 3,00,000 रुपए में हम पूरा सेटअप उनको देंगे। बाकी अगर किसी का बजट नहीं है तो वो छोटा वेरिएंट भी हमारे पास से ले सकते हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपए में भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी छोटा वेरिएंट आ जाएगा? हाँ, 6 ट्रे का ओवन आएगा, वो 3 एचपी की मशीन आएगी। तो इस तरीके से आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, चाहे आपका छोटा से घर में 10x15 का रूम हो वहां पर के आप इसको लगा करके। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपका घर की जो बिजली है सिंगल फेज उसी में ही काम हो पा रहा है, तो आप सिंगल फेज के लाइट से ही 2.25 लाख वाला सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह मतलब क्या रहती है? बिल्कुल नॉर्मल आती है, पर अगर हम पर पैकेट की बात करें तो एक पाउच में मैक्सिमम आपका 4 से 5 पैसे इलेक्ट्रिसिटी खर्च आता है ओनली। अच्छा, तो लाइट बिल्कुल जीरो कॉस्ट है हमारी इसमें। तो बहुत बढ़िया डील रहने वाली है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें।